चबाने के बाद अगर इस साइड में आपको मरा हो बीच, तो इस कान में उसको, उस युवक को जो चबा रहा है इलायची इलायची, उसको फूंक मारे कान में, और फूंक मारने के बाद जो है बिछू। मैं डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज एक योग बतला रहा हूं, या इसे औषधि समझिए, बहुत अच्छा औषधि है। आज के जो मौसम है बरसात का, इसमें बहुत से खेत में काम करने वाले को या पुराने मकान में बीच दंश मार देता है, उसका एक अचूक औषधि मैं बतला रहा हूं। 5 ठो इलायची, सफ़ेद सफ़ेद इलायची 5 वो लेकर नवजुवक को मुंह में उसको दे दीजिए चबाने के लिए, और वह मुंह बंद करके चबाए, मुंह बंद करके चबाए, इसलिए कि वायु बाहर ना निकले मुंह से। और 2 मिनट चबाने के बाद अगर इस साइड में आपको मरा हो बीच, तो इस कान में उसको, उस युवक को जो चबा रहा है इलायची इलायची, उसको फूंक मारे कान में, और फूंक मारने के बाद जो है बिछुआ डांस उतारना शुरू हो जाता है। और अगर इस साइड में मारे हुए है बिछू, तो इस कान में फूंक को मारना चाहिए। अगर बीच अंग में मारा है बिछू डंसा है, तो उसको दोनों कान में इलायची का फूंक मारना चाहिए, और भगवान का नाम लेते हुए रहना चाहिए। अगर एक फूंक में 20 नहीं उतर पाता है, तो 2 मिनट के बाद फिर दोबारा फूंक मरवाइए, और वह निश्चित दूसरा फूंक में मैं चैलेंज करता हूँ कि कैसा हो बीच डंस मारा हो, वह रोगी हंसता हुआ घर जाएगा। और यह औषधि बहुत अच्छा है, और इसको आप उपयोग में जरूर लावे, और शेयर करके आप अपने दोस्त और मित्र से जरूर कहे यह जो औषधि बहुत अच्छा है। और इस औषधि को ध्यान से आप मेरा सुनने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति को बीच जो है दंश मार दिया हो, उसमें 5 सफ़ेद इलायची को नवजुवक को दीजिए मुंह में चबाने के लिए, और मुंह को बंद कर दे, वो गैस बाहर ना निकले। और 2 मिनट चबाने के बाद अगर इस अंग में मारा हो, इस कान में फूंक मारिए। अगर इस अंग में डंस किया बिछू डंस मारा हो, इस कान में मारिए। और अगर बीच अंग में मारा हो, तो दोनों कान में फूंक मारिए। 2 फूंक मारने के बाद वह बीच जो है बिछू का जहर जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है, रोगी जो है पहले की अवस्था में आ जाता है। और यह जो है प्रयोग अवश्य करें, इसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं बैठ रहा है, और यह सरल उपाय है, और एक मैं आयुर्वेद का बहुत अच्छा औषधि मैं आपको बतलाया हूँ, और इसको प्रयोग में अवश्य लाएं। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।